जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों मैं विराट चौधरी और आज का जो मेरा वीडियो है स्पेशली होने वाला है जो एसएससी जीडी जो मेडिकल विद्यार्थी है उनके जो मेडिकल का टाइम है वो एक साल से भी ज़्यादा होने को है। तो अब उनको ये टेंशन हो रही है क्या वापस से रीमेडिकल होगा, और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका रीमेडिकल में वो पास हो गए उनके भी छः छः महीने होने को है, 6 से 7 महीने। कईयों की अंगुली टेढ़ी है, कईयों के दांत में कुछ और का है, कईयों की अलग अलग प्रॉब्लम है, और जो मेडिकल फिट विद्यार्थी है उनको भी ये टेंशन हो रहा है कि सर हमारा जो मेडिकल का टाइम है। वैसे अगर आपको एक चीज़ बताऊं, जो मेडिकल का जो रूल होता है और जॉइनिंग का जो रूल होता है एसएससीजीडी का या कोई भी डिपार्टमेंट का, आप आर्मी में चले जाओ, एसएससीजीडी, नेवी, एयरफोर्स, इनमें रूल, तो अगर रूल देखा जाए तो रूल ये होता है कि आपका अगर मेडिकल होने के 6 महीने के अंदर अंदर आपकी जॉइनिंग नहीं आती है तो वापस से रीमेडिकल होता है। 6 महीने बाद अगर मान लो 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो जाता है आपके मेडिकल को तो फिर वापस आपका मेडिकल होता है दोस्तों। तो कई लोग इसको लेके बहुत ज़्यादा घबरा रखे हैं, मेरे भाई बहन जो कि उनको बार बार यही हो रहा है कि उनका एक साल के आसपास टाइम हो गया मेडिकल फिट हुए, तो अब जब वो ज्वाइन करेंगे कि हमारे आंखें ख़राब नहीं होगी, कईयों की 6x6 आँख नहीं रही है, वो मोबाइल चला चला के या किसी भी कारणवश, तो उनको इस बारे में बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है कि सर अगर हमारा मेडिकल होगा और अगर हम अब अनफिट हो गए मेडिकल रीमेडिकल में, अब वापस हम अनफिट हो गए तो हमारे साथ क्या होगा, या किसी के हाथ हाथ में कोई फ्रैक्चर हो गया अब उसका अगर मेडिकल होगा और उसको क्या बाहर निकाल देंगे। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो आपके लिए पूरा जानकारी से भरा है, पूरा का पूरा मैं इन्फॉर्मेशन देना हूँ ना आपको इसके बारे में, फिर आपको इसके बारे में कोई शक नहीं रहेगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में कि क्या होगा और अगर आप उस समय अनफिट होते हो तो उसकी क्या प्रोसेस है, उसके बाद में आपको क्या करना होगा। तो इससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, मैंने एसएससीजीडी से संबंधित की फिजिकल में सबसे हार्ड ट्रेनिंग कौन सी होती है, एसएससीजीडी में अगर आप नए हो या नया तैयारी कर रहे हो तो बेस्ट चॉइस आपकी कौन सी होनी चाहिए, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, इनकी ड्यूटियाँ क्या क्या होती है, अलग अलग वीडियो बना रखे हैं मैंने और भी फिजिकल से संबंधित कई वीडियो बना रखे हैं। साथ में अगर वीडियो के बाद में अगर आपके और कोई क्वेश्चन रहते हो तो कमेंट बॉक्स में तो आप लिख सकते हो, मैं कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के स्पेशली, और साथ में फिर भी रह जाता है तो मैं इंस्टाग्राम का नीचे लिंक दूंगा दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके मेरे से पर्सनली बात कर सकते हो दोस्तों। तो जितना हो सकेगा मैं जवाब देता रहूँगा आपके, मुझे पता है कोई ना कोई क्वेश्चन आपका रह ही जाएगा इसके बाद भी, तो मैं पूरा कोशिश करूँगा कि कर दूँ कवर आपका। तो दोस्तों बता दूँ कि जो नियम है वो तो यही है कि आपका 6 महीने से बाद में अगर आपका मेडिकल का टाइम ज़्यादा हो जाता है तो आपको जब ज्वाइनिंग दी जाएगी तो आपका वापस से मेडिकल होगा ही होगा। लेकिन दोस्तों पहले बात तो मैं बता दूँ, जिस वैकेंसी में मैं लगा था 2015 की वैकेंसी थी, वो नोटिफिकेशन 2014 की थी, 2015 में वैकेंसी थी, तो हमारा जो मेडिकल हुआ था वो था जून में, मतलब 25 जून के आसपास, और 25 जून मेरी बर्थडे डेट भी है, तो 25 जून के आसपास हमारा मेडिकल हुआ था, और जब जॉइनिंग मिली थी वो मिली थी मार्च में। तो आप काउंट कर लो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 10 महीने बाद में जॉइनिंग हुई थी। जब क्योंकि मैं 25 जून से मैं बता रहा हूँ, कईयों का 1 जून से शुरू हो गया था, 1 जून से 5 जून से अलग अलग डेट को हो रहा था, मेरा 25 जून को हुआ था ये बता रहा हूँ मैं। तो 10 महीने हो गए थे जून से, आपको मैं बता दिया 10 महीने हो गए, तो 10 महीने बाद जब हमने ज्वाइन किया तो हमारा कोई मेडिकल नहीं हुआ था दोस्तों, वापस से कोई रीमेडिकल नहीं हुआ था, किसी का भी किसी भी चीज़ का कोई मेडिकल नहीं हुआ था। बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ मैं, क्लियर शब्दों में, जो भी मेरे साथ जो ज्वाइन किए हैं उनमें से किसी बंदे का कोई मेडिकल नहीं हुआ था। अब इस बार क्या हुआ है कि एक साल से भी ज़्यादा टाइम होने को है, तो मुझे पता आपके मन में भय है कि भाई अब रीमेडिकल होगा, कईयों के छोटी मोटी चोटें भी आ गई है, कईयों के प्लास्टर हो गए हैं, कईयों के और भी मुझे पता थोड़ा बहुत नुकसान हो गया है, तो अब उनका रीमेडिकल होगा और अगर वो फेल हो जाते हैं रीमेडिकल में, या जो रीमेडिकल में जो फिट हुए हैं बंदे, अब उनका वापस से मेडिकल होगा तो कैसा होगा। तो दोस्तों पहली बात तो ये कि बहुत ही कम चांस होता है एसएससीजीडी में कि दोबारा मेडिकल हो, क्योंकि इसकी प्रक्रिया बहुत ही लंबी चलती है और दोबारा मेडिकल होने का इसमें कोई गुंजाइश रहती नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा मान लो नया अपडेट आ जाए एसएससीजीडी की तरफ से कि भाई एक साल से ज़्यादा इसको इस भर्ती को टाइम हो गया मेडिकल फिट कैंडिडेट्स को, तो वापस से मेडिकल किया जाए, अगर ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको क्या करना चाहिए। तो पहले तो मैं आपको जितने भी मेरे भाई बहन जितने भी जिनके नंबर अप टू द मार्क है या आपको लगता है कि मेरा नंबर आ जाएगा, तो लास्ट के दिन अगर आपके अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ तो आप सचेत रहना, सावधान रहना कि आपके शरीर पर कोई बड़ी चोट या कोई बीमारी का असर ना हो। कोरोना जैसी कोविड-19 की बीमारी चल रही है तो आपको इसका पूरी सावधानी रखनी है अब लास्ट टाइम पर कि आप इससे इफेक्टेड ना हो। वैसे इस बीमारी की वजह से आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन अगर इससे इफेक्टेड हो गया, अगर आपको और कोई बीमारी हो गई
तो उसका आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है, तो पहली बात तो यह है आपको कि ध्यान रखना है। अब अगर उस समय मेडिकल होगा, रीमेडिकल होगा, मान लो आपका मेडिकल, तो नॉर्मल तौर पे ऊपरी शरीर का मतलब सरसरी तौर पे जो मेडिकल होता है वही मेडिकल होता है, पूरा का पूरा चेकअप नहीं होता दोस्तों। इन केस अगर किसी की बीमारी सरसरी तौर का मतलब हो गया, जैसे आपका हाथ चेक कर लेंगे, आपका पैर ऐसे चेक कर लेंगे खड़े करके, जैसे आपको मेडिकल में किया था, जैसे खड़े करके आपको खड़ा कर दिया, देख लिया ऊपर से पैरों को, हाथों को, उंगलियों को, उंगलियों को, पैर को, मुंह को खुला के, कान को, वान को, ऐसे नॉर्मल देख लिया। ये नहीं कि कान को फिर वापस मशीनें लगा के देखेंगे या वैसा कुछ करेंगे, इतना टफ वापस दोबारा जब मेडिकल होता है तो इतना नहीं होता है, क्योंकि ये एक केस में हो रखा है जिनको मतलब मेरे कोई मित्र ही है, उनका हुआ था, तो उनका जब उनका क्योंकि एक साल से ज़्यादा टाइम था, मतलब उनको तो 2 साल के आसपास लग गया था किसी कारणवश, तो उनके मतलब जो मेडिकल हुआ था तो उनका थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, तो वापस नहीं मेडिकल हुआ, तो जब उनका हुआ था तो मतलब सरसरी तौर पे ही मेडिकल हुआ था दोस्तों। सरसरी तौर पे मतलब आपका ऊपर से फिजिकल का देख लिया कि यहाँ कोई बड़ी चोट तो नहीं है, कोई पैर में चोट तो नहीं है, कोई हाथ में चोट तो नहीं है, ऐसी रूप से देख लिया। इसके अलावा और इससे बड़ा कोई मेडिकल नहीं होता है, तो लेकिन आप मतलब बेफिक्र रहिए, नो टेंशन रहिए, अगर आप मेडिकल फिट है तो आपको अनफिट नहीं किया जाएगा। अब अगर हो जाता है कि आपको किसी भी कारणवश अगर आप अनफिट होते हो, मान लो किसी भी कारणवश ऐसे जी कोई नया रूल आए और आपको चेक किया जाए और आपको मेडिकल वापस अनफिट कर दिया जाए तो क्या होगा, तो दोस्तों बताऊँ ऐसी स्थिति में ये नहीं है कि आपको घर भेज दिया जाएगा, नहीं, आपको घर नहीं भेजा जाएगा, आपको एक टाइम लिमिट दिया जाएगा कि भाई 6 महीने के अंदर अंदर आप इस चीज़ को तैयार करवा लो। जैसे अगर मान लो आपके हाथ के चोट आ गई और बहुत ज़्यादा ही चोट, आप प्लास्टर लेके आए हो, प्लास्टर लगा के तो वहाँ के हॉस्पिटल में चेक कर लिया और अगर ये तैयार होने वाली तो आपको एक टाइम लिमिट दे दी जाएगी कि भाई आपको 6 महीने, 7, 8, 10 महीने हैं, इसमें जाके आप इस टाइम वापस इस टाइम पीरियड बाद में आप ज्वाइन करिए और उसके साथ में तैयार करके मेडिकल फिट का डॉक्यूमेंट्स लेके आइए कि हाँ मेडिकली रूप से आप बिल्कुल फिट है, जैसे रीमेडिकल की बात होती है उसी प्रकार। तो वो आपका जब तक टाइम हो जाएगा, या आप अपनी इच्छा से उनको डिमांड कर सकते हो कि भाई सर मेरी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, ऐसा ऐसा कुछ हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा वापस जब रीमेडिकल हो मेरे को इतने दिन की छूट दी जाए, इसकी एक एप्लीकेशन लगा के IG ऑफिस में आप वहीं पर दे सकते हो, जिस जो ज्वाइनिंग सेंटर आपका ग्रुप सेंटर आएगा उसमें आप ये लगा सकते हो, तो उससे आपको क्या एक राहत मिल जाएगी, टाइम मिल जाएगा कि हाँ भाई इसका बंदा का रीमेडिकल। अब जो रीमेडिकल, जैसे अगर कोई मेडिकल में मान लो वापस जब मेडिकल होता है, क्योंकि एक साल से ज़्यादा टाइम हो गया, तो आई थिंक कि नहीं होगा, नहीं होने का रीज़न ये है कि जब हमारा 10-11 महीने में ज्वाइनिंग हुआ था तो हमारा नहीं हुआ था बिल्कुल मेडिकल। अब अगर आपका होता, क्योंकि कईयों का एक साल से भी ज़्यादा हो गया, एक साल तक तो मेरे को लगता नहीं कि वापस ऐसे GD मेडिकल करती है, अब कईयों का एक साल से भी मान लो ज़्यादा हो गया और उनका वापस रीमेडिकल अगर मेडिकल में फेल होते हैं तो उनको वापस से टाइम दिया जाएगा, तो आप उसके लिए चिंता मत करिए। और जिनकी उंगलियां टेढ़ी है, कईयों की मान लो इस प्रकार की है, ऐसी है, कईयों की थोड़ा बहुत ऐसे है और वो मेडिकल फिट है, तो अब उनको क्योंकि SSC GD में आपको आर्मी की तरह नहीं है, इसमें कुछ छूटें मिलती है आपको थोड़ा बहुत, तो इसलिए वो जो छूट मिल रखी है उसमें आपको घबराने की चिंता नहीं है कि आपके टीथ कितने हैं कितने नहीं हो, आप मेडिकल फिट हो इसका मतलब आप फिट हो, वही क्राइटेरिया वापस नापा जाता है, तो आप इसके लेकर बिल्कुल ही चिंतित ना हो कि आपका एक साल हो गया है या एक साल से ज़्यादा हो गया, अब रीमेडिकल होगा तो क्या होगा, हमको घर भेज देंगे, घर वर आपको नहीं भेजा जाएगा। अगर एक बार आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा इसका मतलब आप फोर्स के मेंबर बनने वाले हो, ज़रूर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी भले ही कुछ दिन लेट हो जाए। अगर इस कंडीशन में तो आपको मैं पहले सबसे पहले तो बात तो ये बता दूं, अगर आप अभी तक सेफ हो तो सेफ रहें, क्योंकि थोड़े से दिन बचे हैं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें अपना, किसी भी बीमारी से इफेक्टेड होने से बचें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अपना ध्यान रखें, केयर रखें, और कोई भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट ना कर लें जिससे आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों कि आपको बाहर निकाल देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो आप इसके लिए बिल्कुल नो टेंशन रहिए। क्योंकि बहुत लोग मेरे को मेडिकल के लेके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर अब मेडिकल होगा क्या, वापस होगा क्या, तो जहाँ तक आई थिंक कि मेडिकल नहीं होगा, अगर आपको एक साल के आसपास का टाइम हुआ तो नहीं होगा, अगर 1.5 साल के आसपास का टाइम हो जाएगा अगर मेरिट में आते आते होगा नहीं इतना, लेकिन अगर हो जाता है तो रीमेडिकल होता है, तो उस समय होता है तो बिल्कुल नॉर्मल रीमेडिकल होता है, आपका जितना हार्ड वहाँ पर होता है उतना हार्ड नहीं होता है, बस ऊपर से सरसरी तौर पर आपको चेक किया जाएगा और बस मेडिकल फिट, इतना सा होता है दोस्तों, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अब आप क्या जानकारी चाहते हो और ये जानकारी आपको कैसे लिखी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर फिर भी किसी कोई प्रॉब्लम या क्वेश्चन रह जाता है मैंने बताया कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं ज़्यादातर टाइम दूंगा आपको रिप्लाई करने में। जय हिंद।